हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एपेक्स को कॉन्टैक्टर, जो हमारा एपेक्स का 16 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर आता है, उसको चेंज कर कैसे करते हैं और इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्टैक्टर चेंज करने के लिए ऊपर वाले जो तीनों फेस है इनको छुड़ा लेंगे और इनको कॉन्टैक्टर से अलग कर लेंगे। फिर नीचे जो हमारे रिले का पॉइंट दे रखा हम उनको तीनों पॉइंट को रिले से कॉन्टैक्टर से डिस्कनेक्ट करेंगे और रिले को कॉन्टैक्टर से अलग कर लेंगे। जैसा हम बता रहे इसी अनुसार आपको अलग कर लेना है। इसमें रिले ऑटो कट रिले आती है दोस्तों, इसमें रिले को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा अब कॉन्टैक्टर बचा, तो कॉन्टैक्टर का नीचे आपको तीन पॉइंट दे रखे होते हैं, उसमें तीन आपको छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं। स्क्रू के हिसाब से ये कॉन्टैक्टर अंदर सेट रहता है, आपको दिख रहा होगा। स्क्रू खोल लेंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। नीचे एक स्क्रू आपको और दे रखा होगा, उसको निकाल के इसमें बाहर निकालेंगे। इसमें टोटल तीन स्क्रू दे रखे होते हैं और जब ये बाहर निकाल लिया मैंने, अब दोस्तों इसको अब नया वाला कॉन्टैक्टर हमारे जो नया वाला कॉन्टैक्टर लेके आए थे हमने उनको जो हमारे जो कॉन्टैक्टर के पीछे से जो स्क्रू निकले इसी स्क्रू से हम इसको वापस टाइट कर लेंगे एक बार। फिर आपको जो रिले के नीचे पॉइंट दे रखे है दोस्तों, छोटे छोटे दोस्तों, तो वही पॉइंट आपको ऐसे कैसे इसके अंदर कॉन्टैक्टर में इंस्टॉल करने हैं, यानी कि अच्छी तरह से टाइट कर ले। और जो आपको नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा दोस्तों, वो कोयल का पॉइंट है, यानी रिले के थ्रू एक कोयल को सप्लाई मिलेगी कॉन्टैक्टर को, वो वाला पॉइंट है। दोस्तों हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं पैनल से संबंधित, वायरिंग से संबंधित। तो आप अगर आप ऐसी वीडियो देखने के शौकीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम नीचे के इसके कॉन्टैक्टर के पॉइंट को स्क्रू को ढीला कर लेंगे और इसके बाद में इसमें ये नीचे की जो हमारा रिले है, रिले को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। एक बार सारे स्क्रू को ढीला कर लो, उसके बाद में एक बार में आपकी ये रिले अंदर सेट हो जाएगी। ये एपेक्स कंपनी का कॉन्टैक्टर आता है या स्टार्टर पूरा आता है, लगभग आपको 1400 रुपये में मिलता है। लेकिन आप अगर आपका कॉन्टैक्टर ही ख़राब हुआ और हो तो आप इसको कॉन्टैक्टर चेंज कर सकते हो, जिसका आपको लगभग 600 रुपये का ये कॉन्टैक्टर मिलता है। यानी कि आपके अदर जो उपकरण है, जो आपके रिले वगैरह या फिर आपका जो इसका लोहे का बॉक्स आता है, वो आपको इसकी खर्चा बच जाएगा। अब जैसे मैं नीचे का पहले रिले का जो सप्लाई का जो इसका कॉन्टैक्टर की कोयल का जो फेस है उसको टाइट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे की साइड रहता है, इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी नहीं तो इस कॉन्टैक्टर फिर आवाज़ करेगा। तो अब इसके सप्लाई का तार को हम कॉन्टैक्टर के साथ सब टाइट कर लेंगे एक बार। ये अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया एक बार। अब इनमें सप्लाई के तार वापस ऐसे कैसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसको एक कोयल को सप्लाई देने के लिए एक लूप लगा देंगे कोयल की A1 से। ये पास में एक आपको BCH का कॉन्टैक्टर स्टार्टर दिख रहा होगा, इसकी सप्लाई के लिए एक अलग से वायर लगा रखा है। तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि इसमें दो केबलें कैसे आ रही है, एक सप्लाई की है, एक दूसरे स्टार्टर को हमने सप्लाई दी, इसके लिए लूप बना रखी है। छोटा थ्री फेस का वायर लेके, थ्री कोर का वायर लेके इसमें सप्लाई बंद देने के लिए लगा रखी है। तो हम ऐसे कैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इनको भी हम सप्लाई को तीनों फेस को बारी बारी से RYB के क्रम में या आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, वो आपकी चाल के हिसाब से कि आपकी मशीन की चाल किस तरह से रहेगी। वैसे ये कन्वेयर का स्टार्टर है तो इसमें कन्वेयर की सीधी चाल के लिए हम कैसे भी सेट कर सकते हैं, वो मोटर वाइंडिंग के हिसाब से होती है दोस्तों। अब इसमें हम तीसरा फेस भी ऐसे कैसे स्क्रू को ढीला करके इसमें डाल लेते हैं और ये R वाला फेस भी इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे एक बार, सभी नटों को खींच लेंगे ताकि कोई स्पार्किंग ना हो और कॉन्टैक्टर जल्दी ख़राब ना हो।
इसलिए इसमें अच्छी तरह से टाइट कर लो एक बार। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ऊपर का जो पॉइंट दे रखा है इसमें जो सेफ्टी कवर आता है इसको हटा लेंगे। इसको हटाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप क्या किया ये दोस्तों, ये आपका जो ऊपर का जो पॉइंट बटन है NONC बटन एक साथ आते हैं इसमें, वो सेट नहीं होगा। तो हम इसको हटा लेते पहले, हटा के फिर इसमें बटन का बटन लगा देंगे NONC। इसमें NONC आपके दोनों कॉम्बाइन आते हैं, कंपनी का ही होता है, एपेक्स के कंपनी का ही आता है, लेकिन ये NONC बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये कॉन्टेक्टर ख़राब हो जाता है जिस पर, लेकिन ये आपके NONC ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। अब ये अपन ने जो होल्ड ऊपर जो वायर दिया है कॉमन वायर, ये हमारा होल्डिंग का वायर है जो इससे कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। और जो हमने नीचे, अब नीचे जो तार लगा रहे हैं ये कोयल का वायर है, यानी बटन दबाएंगे तो सप्लाई सबसे पहले नीचे जाएगी जिससे कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और ये हम इधर लगा रहे हैं ये सप्लाई का वायर लगा रहे हैं, इसमें हम सप्लाई का पॉइंट एक सप्लाई की वायर दे देंगे। अब इसमें एक लूप बना लेंगे कॉन्टेक्टर के A1 को सप्लाई देने के लिए, हम ये एक लूप बना रहे हैं कॉन्टेक्टर के A1 को सप्लाई देने के लिए। पीछे हम कोयल कॉन्टेक्टर की कोयल के स्क्रू को ढीला करके इसमें सेट कर लेते हैं। फिर बाद में इसको सेट करके ये हमने कंप्लीट टाइट कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। अब इसकी वायरिंग की हम बात करें तो ये हमारा फेस है जो यहाँ आया NC पॉइंट पे, NC से हमारा दूसरी साइड के जो होल्डिंग वायर पे यहाँ आ गया। यहाँ से फेस जब हम बटन दबाएंगे तो हमारा फेस, हम जब बटन दबा देंगे तो हमारा फेस ये नीचे आएगा, और नीचे आएंगे जो ये ऊपर होल्ड का तार का इससे ये होल्ड हो जाएगा। नीचे कोयल से कॉन्टेक्टर अंदर जाएगा और NO पॉइंट NC में कन्वर्ट होगा, तो ऊपर से ये होल्ड होकर कॉन्टेक्टर चालू रह जाएगा। और जैसे ही हम NC पॉइंट को दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा। यहाँ से कोयल का आपको जो दिख रहा है नीचे, ये कोयल का नीचे लूप बने रखी है, रिले के थ्रू जाएगा और इधर से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम चालू करके देखेंगे कि यह अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार हम चालू करके आपको टेस्टिंग के लिए बताएंगे कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो अब इसको हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो दोस्तों चालू हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और मजा